जैसे ही पता चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही बोलो ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधि आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रो है। जा लाला चक्के आ। सोई ठाकुर जी तो घुटमन घुटमन बाहर आए, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे। ठाकुर जी ने सामने थाल में से सुंदर खीर उठाई और खीर उठा के प्रेम से पान लगे। मैं वही कहूं, मैंने बंसी कहां बज रही है भाई, मोये सुनाई दे रही है का? बालक बैठो बजा रो है। मैंने कि बा बढ़िया, आज की कथा सुन के ठाकुर जी तो ना बजा रहे, कहीं पीछे थे। बोलो वृंदावन बिहारी ला। वाह, काश ठाकुर जी बजा रहे होते, कितना आनंद आतो। ध्यान पूर्वक सुनो, ठाकुर जी तो लेकर के महाराज पान लगे प्रेम से। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते, ऐसा भाव हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीमते, सब सखान को बुला में, आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कढ़ी बनाई है, और महाराज देखो बैगन को भरता बनाया हो, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सब रे। अब जिन उन घरों की बात नहीं जहां पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछुना बना में जे तो रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तो को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा, मैं देख आज कहा बनाया हो याने, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बना ही हूं। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे, अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी वालों पिज्जा भी मिले वृंदावन में। कभी कभी मन में भाव आवे, ठाकुर जी कैसे पाते होंगे भाई, खेच उत्ते चले जाते होंगे, जन कहा बलाया आ गई है यार। मधुमंगल श्रीदामा कैंची लेके आते होंगे, लाला रुक जा हम काटे। ऐसी भोग सामग्री देखो, एक बात, आज कलयुग के मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता कई मंदिरों में, सब जगह। हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने दो तीन बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए। जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता, पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा हैं, जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए, कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आयो पतो ही ना है, अरे हमारे अनुकूल हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ।
अब जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। अब लोग चाउमीन खाते हैं, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी, ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। और एक बात कहें, कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे बोले महाराज जी इतने व्यंजन बनाने की सुविधा घर में नहीं, तो एक सत्य घटना है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा में विराजमान हुए तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी, तो आचार्य उस समय के जो गोस्वामी थे उन्होंने सब साथ में ही गए थे, ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं नाथ द्वारा में, तो ब्रजवासियों से कही हाँ भाई चलो एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी, एक एक दिन अपने अपने घर से प्रसाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए। तो मंदिर से बर्तन दिए जाते थे और जितने बर्तन दिए गए कम से कम भर के आने चाहिए सबके घर से, बनाओ सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। सबका सौभाग्य होता था कि हमारे घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगेगी। एक परिवार बड़ा अकिंचन परिवार, ज्यादा सामग्री नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं थी, और उनके यहाँ थाली आई तो थाली देख करके कटोरियां देख के, बड़े बड़े थाल बड़े बड़े कटोरा देख के सुखी तो बड़े हुए लेकिन रोने लगे, कैसे करें हम पे तो इतनी सामग्री नहीं कि हम एक कटोरा भर के भेज दें, ये थाल भर के कैसे भेजें। तब उन्होंने आचार्य जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की, भगवान आज हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर श्री जी बाबा की थाली आई, पर हम कैसे भर के भेजें। तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण करके आज्ञा की कि महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा अधिक ठाकुर जी मानसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आपके घर में अगर सामग्री नहीं है तो मन में भावना शुद्ध करके, मन में एक एक सामग्री को निर्माण करके और पात्रों का स्पर्श करके उस सामग्री को पात्रों में पधराते जाओ। महाराज वो भक्त सब सामग्री पात्र लेकर के आए, पात्रों को धोकर के अपने सामने रखा, अब सामग्री अपने हृदय में बना रहे हैं, सुंदर लकड़ी चेताई है, कंडे लगाए हैं, ऊपर चूल्हा पे एक पात्र रख दिया है, पात्र में अब घी डाल दिया, आहा सुगंधि आ रही घी की, और घी की सुगंधि में बढ़िया छोंक लगाए और छोंक लगा करके सामग्री डाली, टमाटर डाले जे डारो वो बढ़िया साग बन गयो, साग लेकर के एक पात्र में पधरा दियो, अब दूसरे पात्र में खीर बनाई है, खीर बना करके एक पात्र में पधरा दे, अब ठाकुर जी को बढ़िया हाथ की रोटी बनाई है, बाजरे की रोटी बनाई है, सब मन में चिंतन करते जा रहे हैं और बाहर प्रत्यक्ष जो थाल आए हैं उनका केवल स्पर्श करते जा रहे हैं, हाँ ये सामग्री इसमें, ये चटनी इसमें, अचार इसमें, कड़ी इसमें, खीर इसमें, मिष्ठान इसमें, दूध भोग की सामग्री इसमें, और सब भाव इतने शुद्ध मन से इतने भाव से व्यवस्थित किए महाराज की मानसी में सोचते सोचते उनको उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपट मोतक मुकु अनुभव है रही है, सामग्री जो बन रही है वाकी सुगंधि कैसी है, इलायची और केसर डालवे पे सुगंधि भी उनको अनुभव है रही है, नेत्र बंद है, मानसी भाव से खाली थालन को स्पर्श करते जा रहे हैं। तभी पत्तल लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, सब थालन के ऊपर पत्तल और वस्त्र ढक दिए, घर के सब लोग अंशों कही अपने अपने कंधा पे उठा करके सामग्री ले चलो भोग के लिए, खाली थाल है देखने पर सब लोग पत्तलन में भर भर करके और सब खाली खाली बर्तनन को लेके मंदिर में गए, और वहां जाकर के जो आचार्य थे उनको भी बोलते जा रहे हैं जे कढ़ी भोग है, जे खीर है, ये रोटी सामग्री है, ये दूध घर की सामग्री, सब सामग्री देते गए। उस समय के जो आचार्य थे उनके नेत्र सजल हो गए, आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामग्री रखी गई है और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो, स्वीकार करो। और आचार्य पर्दा करके जैसे ही बाहर आए और समय अनुकूल जान के जैसे ही भीतर प्रवेश कियो
जितनी सामग्री की भावना रखी थी वो सामग्री सब प्रकट हो गई और प्रकट है कि ठाकुर जी ने स्वीकार करी। और स्वीकार करवे के बाद वो समस्त सामग्री वैष्णवन में बांटी गई। आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए, क्यों? बोले मन माने तो मन में बनाई, पर ये प्रकट सामग्री मुझे तो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर बना के लाए होंगे, वह घर में व्यवस्था नहीं हम ही बना दें। तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में, क्यों? कई भावना उसके पीछे, एक भावना यह भी कि ठाकुर जी अपने सब सखाओं अकेले नहीं पाते, ठाकुर जी सब सखाओं को बुलाते हैं। ठाकुर जी तो संकोच नहीं करते पर सखा संकोच करते हैं, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया नहीं हमको प्राइवेसी दे जाओ, हमारे सखा आमेंगे, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सब बैठ जामे, सब ले ले करके प्रेम सो पामे, या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्दा। कोई निकुंज रस को उपासक है तो निकुंज रस में क्या है, सखियां आती हैं, श्री किशोरी जी आती हैं, और किशोरी जी को भोग पहले सखी लगामे और फिर किशोरी जी को पवा करके किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पामे। अब ये हमारे सामने तो करेंगे नहीं ठाकुर जी, इसलिए अंतरंग भाव के लिए उनको पर्दा चाहिए। तो निश्चित है भोग के समय अनोसर किया करो, और यदि पर्दा की व्यवस्था नहीं है तो भुजा से ही। अब जैसे कल परसों एक उत्सव था तो वहां पे उनके ठाकुर जी का उत्सव था, हम आरती करने की, अब मेरी आदत में तो आरसी दिखाऊं ठाकुर जी, तो आरसी नहीं थी वहां पे, तो हमने भुजा की आरसी दिखाई लो लाल जी, और फिर भुजा की आरसी दिखा के फिर स्वयं भी देखें हाँ बढ़िया सुंदर लग रहे हो। तो भावना बहुत प्रधान है भक्ति में, वस्तु प्रधान नहीं, व्यंजन प्रधान नहीं, भावना प्रधान। जैसे बीड़ा भोग ठाकुर जी को नित्य आना चाहिए, बीड़ी भोग। अब लोगों के घर में बीड़ी की व्यवस्था नहीं है तो अपने भुजा को ऐसे बीड़ी की भावना रखो और ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराओ, बीड़ी ठाकुर जी बीड़ी पा रहे, भावना की सेवा। आज भी किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप मना करते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था लेके जाओ, नहीं लेके जाओ व्यवस्था नहीं है तो मत लेके जाओ, तो फिर अकेले घर पर कैसे छोड़ के आए। भावना भावना करो, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सब सखाओं, हे सब सखियों, हे सब ब्रजवासियों, अब जे घर आपको है, तीन दिना के काजी हम जा रहे हैं, खूब उधम मचाओ, सब आ जाओ, जे रही रसोई, यहाँ पे आटो रखो, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे सामग्री रखी है, हे यशोदा मैया जब जब लाला को भूख लगे आप बना के पवाए दियो, हम तीन दिना के काजे जा रहे हैं। ये भावना करके जाओ, शुद्ध पवित्र फल ठाकुर जी के समीप रख के जाओ, जल की झारी जी रख के जाओ, ठाकुर जी को शयन मुद्रा में सुला करके आप जाओ। लेकिन याद रहे दो दिन तो ज्यादा मत जाइए, दो तीन दिन की बात तो ठीक है पर उससे लंबे जा रहे हो फिर तो फिर व्यवस्था पूरी लेके जाओ। तीन दिन तक दो दिन तक तो ऐसी सेवा आप मानसिक करके, लेकिन विश्वास पूर्ण होना चाहिए, चाहे कहीं गए हो आप, समय समय पर आपको याद आनी चाहिए कि हाँ अब ठाकुर जी का भोग बनना होगा, अब ठाकुर जी राजभोग कर रहे होंगे, अब ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था है गई होगी, यशोदा मैया सुवा रही होंगी, ये चिंतन मन में रहना चाहिए, तभी आपकी सेवा वहां चल रही होगी। आप अनुभव करेंगे एक बार दो बार ऐसी भावना चित्त में रखोगे ना, फिर लौट के जब घर आओगे काऊ देना तो ठाकुर जी की व्यवस्था में, ठाकुर जी के निकुंज में, ठाकुर जी के सिंहासन पर कछु तो अनुभव ऐसा होगा कि आपको पता लगे कि हाँ सब यहां आए और ठाकुर जी की सेवा करके गए। भावना प्रधान। तो गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमे, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ, माला जप रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, भीतर सुन करके आए और शालिग्राम भगवान के आगे सो एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी, और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखन लगे तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, मैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो,
ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैया पात्र तो संग में ही दे देती, ने के ही पायो पूरा पाले, तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा। जय हो ठाकुर जी, क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ त्वदीयं वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं मैं, लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया तो? बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना ना, पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरा नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमन 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 चल के बाहर आ गए, फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा, पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए, अब के न करके नहीं आवेगो बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पर लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं, बोले अब के बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी बहुत सुंदर भाव लगता है, गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई, जय जय, अब की बार नहीं आवे को बालक कमरा में, आप तो प्रेम से पाओ, हे शालिग्राम भगवान त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए, और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी भई है ठाकुर जी की, और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए, और अब तो आवाज कर करके खान लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे समझ गए, बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाही, नन्हे से गोपाल जी की चार भुजा प्रकट है गई। दो भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है, और दो भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं, और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरे भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले बाबा, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते, तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं, लेकिन मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्रीनंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया, हमारे आचार्यों ने गाया, एक एक लीला गाई गई है, एक एक लीला का सुंदर पद है। नंद्रगह आयो गर्ग विधि जान, राम कृष्ण के नाम करण हित यदुकुल के सम्मान, गज मोतिन के चौक पुराए नाम करण विधिधान, मंगल गीत गावत यशुमती बोलत अमृतवान, प्रथम ही सुनो बढ़े ढोटा के नाम राम बल दे। पहले नामकरण किसका किया? बड़े बेटा का। क्या नाम रखा? बोले राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। प्रथम ही सुनो बड़े डोटा के नाम राम बलदेव, हलधर और नाम शंकरषण को न जाने, अब यह नाम तुम्हारे सुत के सुनो चित दयनंद। हे नंद बाबा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे दूसरे लाला को नामकरण कर रहा हूं। बोले कहा, कृष्ण नाम नारायण केशव
है हरि परमानंद मैया, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, आपके बड़े लाला को नाम राम है और दूसरे लाला को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं, पर ये अनेक नाम सुन जानो जाएगो। पद्मनाभ बाधो मधुसूदन वासुदेव भगवान और अनंत नाम है इनके, कहो कहो लो आन। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, नंद सुवन त्रिभुवन के ठाकुर तिनके नाम धराए, परमानंद प्रभु अखिल लोकपति गोप वेश धर धाए। बड़े बालक का नाम राम और छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा गया। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के वर्ण के ऊपर नाम रखा गया, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण राधारमणम, हरे हरे राधारमणम, हरे हरे ब्रज जन